नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। जिन चुनाव की तरह ही हरियाणा में करेंगे जीत दर्ज, मंत्री नरवीर सिंह बोले। चुनाव आने पर गठबंधन टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं। आप देख रहे हैं पल पल, रेवाड़ी से महेंद्र भारती की ये विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री राव नरवीर सिंह ने आज 18 करोड़ की लागत से तैयार हुए नवनिर्मित लोक निर्माण विश्राम गृह का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सरकार की अनेक उपलब्धियों को गिनवाते हुए कहा कि पिछले सरकारें 52 वर्षों में ऐसा नहीं कर सकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 52 महीनों में ये कर दिखाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के इस कार्यकाल में रेवाड़ी में 1200 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों और भवनों का निर्माण करवाया गया है और जिसको जनता को समर्पित कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी नारनौल से गोदबलावा और नारनौल से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 तक 29 करोड़ का बजट पास किया गया है। इसका निर्माण कार्य भी जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 51 URB और ORB को मंजूरी मिल चुकी है, इनका टेंडर भी शीघ्र छोड़ दिया जाएगा। वहीं जिन चुनाव की जीत पर बोलते हुए कहा कि पिछले इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 4 साल बीतने के बाद भी चुनाव किसी सरकार ने उपचुनाव जीता हो। ऐसा भाजपा के सरकार में पहली बार हुआ है कि सभी पार्टियों को पछाड़ते हुए काफी मार्जिन से जीत दर्ज करवाई गई है। इनेलो बसपा गठबंधन के सवाल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव का मौसम आने पर गठबंधन बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले समय में चुनाव में भाजपा जीन चुनाव की तरह ही हरियाणा में भी सरकार बनाएगी। कांग्रेस में चल रही आपसी खींचतान पर भी सवाल पर भी उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों से ये खींचतान चली आ रही है। इस अवसर पर रेवाड़ी के विधायक रणजीत सिंह कापड़ीवास और कोसली के विधायक विक्रम सिंह यादव भी उपस्थित थे। अब देख रहे हैं पलपल की एक खास रिपोर्ट। तो मेरे ध्यान नहीं पर जल्दी करवाई। अभय सिंह टॉक है, वन ऑफ द वेरी वेरी डेंजरस टॉक है जो बहुत ही ज्यादा गठबंधन तो होते रहेंगे, कई बार टूटेंगे कई बार नए बनेंगे। अभी चुनाव है, चुनाव के सालों में गठबंधन होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। मैं कह रहा हूं जैसे जींद का उपचुनाव का परिणाम आया, आने वाले दोनों चुनाव में ऐसे ही नतीजे आएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणी एक तर्ज पर दोबारा से सरकार बनेगी देश में भी और प्रदेश में भी। कई बार फिर कर देंगे उसको, फिर पंख लगा देंगे, चालू कर देंगे। सरकार में कई काम ऐसे होते हैं थोड़ी सी हमारी ढील की वजह से रुक जाते हैं, फिर शुरू करते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया भाड़वास फाटक में, तो हम तो तैयार हैं, यहाँ के लोग ही दिक्कत कर रहे हैं। यदि लोग राजी होंगे तो हम भाड़वास बिल्कुल अच्छा हमारा होगा। मनीष को भी देखो, भाड़वास वाले को भी देखो। हमने अभी नए RUB 51 सरकार की तरफ से मंजूरी दी है। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने मंजूरी 51 RUB की। ये छोटा काम नहीं है, निकट भविष्य में सारे सिग्नल फ्री कर देंगे हम तकरीबन। महेंद्रगढ़ नारनौल क्या स्थिति है अभी? महेंद्रगढ़ नारनौल प्रधानमंत्री जी का भी श्रेय है, केंद्रीय मंत्री का भी श्रेय है, राव इंद्रजीत सिंह का भी श्रेय और मुख्यमंत्री जी का। बिना मुख्यमंत्री का चिट्ठी लिखे तो कोई कर ही नहीं सकता हरियाणा को। जब तक यदि चीफ मिनिस्टर चिट्ठी नहीं लिखते केंद्र सरकार को तो मंजूरी नहीं होता। सभी का श्रेय, कई बार एक पत्थर टूटता है एक पत्थर मार लेंगे, उसके 90 चोट तो और भी लगती है। यदि मुख्यमंत्री चिट्ठी नहीं लिखते तो आज भी रुक सकता है। लेकिन वो तो ये कैसे कह रहे हैं, अभी मैं मैंने बनाया राव इंद्र सिंह, उनके पूरा योगदान है मैं कह रहा हूँ, लेकिन अकेला एक आदमी के योगदान से नहीं बनाया। सर अभी की कार्रवाई मुझे लग रहा 4 साल से अंतर्ग्रह चल रहा है, जब से है आपको आज लग रहा है अखबारों में ज्यादा छाप रहे हो, मीडिया में ज्यादा आ रहा है, अंतर्ग्रह इनका पहले दिन से आखिर तक रहेगा, चुनाव के बाद तक भी रहेगा। क्या गठबंधन जो है वो हावी हो सकता है इस मौजूदा सरकार पर? अब गठबंधन नहीं थे क्या? अभी तो गठबंधन थे इस जींद उपचुनाव में। आप यहाँ ऐसे पत्रकार भी होंगे 10-10-20 साल से पत्रकारिता कर रहे होंगे, ऐसा एक उपचुनाव बताओ जो 4 साल के बाद सरकार ने लड़ा और ऐसे जीता हो, एक चुनाव बताओ। ये भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने 4.5-4.75 साल के बाद भी चुनाव जीता, इतने मार्जिन से जीता। कोई उदाहरण बता देना आप। चुनौतियां भी रहेंगी 2019 के चुनाव को, जैसे जींद का चुनाव जीते ऐसे ऐसे हरियाणा को जीते। लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन को स्वीकार किया है और उसी आधार पर लोगों ने वोट डाली, आने वाले चुनाव में भी दोनों में ऐसे ही वोट पड़ेंगे। देखिए प्री फैब्रिकेशन आ रहे हैं अभी गढ़ी हरसरू में और पीछे से हम पत्थर लगा कह रहे 8 महीने में तैयार हो जाएगा, किसी ने देखना तो उसको देखना उसके बाद फिर जी।